6 बज गए। हम लोग अब निकल रहे हैं, आज हम लोग जा रहे हैं कूर्ग। वेलकम बैक टू माई चैनल द ब्राउन आई। मैं हूँ पूर्वा, कैसे हैं आप सब। सो आज का वीडियो एक ट्रैवल ब्लॉग है। हम लोग जा रहे हैं कूर्ग और इस टाइम है 6:30। हम निकल चुके हैं घर से। कूर्ग पहुंचने में 6 to 7 hours तो लग जाएंगे आराम से, बट हम और थोड़ा ज्यादा लेके चल रहे हैं बिकॉज रास्ते में ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे, तो आई थिंक 8 hours से तो ऊपर हो ही जाएगा, बट देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। सो चलते हैं और मैं आपको दिखा दूंगी रास्ते भी कैसे हैं। ये हमारी सोनेट के साथ हमारी फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप होगी बिकॉज अभी तक हम इसको लेके किसी लॉन्ग ट्रिप में नहीं गए थे। सो लेट्स गो। और कितना ट्रैफिक है आप देख सकते हैं, बट ये बैंगलोर है तो इतना तो एक्सपेक्टेड ही है। ये है गोपालन। एक्चुअली ये हमारा मीटिंग पॉइंट था हमारे फ्रेंड्स से, तो वो अपनी कार में है और अब हम लोग सीधे ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे। रेस्टोरेंट सर्च कर रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। फिलहाल अभी तक कोई समझ नहीं आया है, तो जैसे ही कोई समझ में आएगा वहीं पर रुक के ब्रेकफास्ट कर लेंगे। अभी एक जैन रेस्टोरेंट पड़ा था और वहां हम लोग रुके थे, लेकिन सब कुछ वहां खत्म हो चुका है तो हम लोगों को अब दूसरा रेस्टोरेंट ढूंढना पड़ेगा। अभी सिर्फ 8:30 हुआ है और उस रेस्टोरेंट का सारा ब्रेकफास्ट खत्म हो चुका था। वो हम लोग कदम्बम में रुके थे और मुझे तो वहाँ का इडली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और चटनी भी काफी ज्यादा स्पाइसी थी और मतलब अच्छा नहीं था। तो आई वुड सजेस्ट कि आप उधर मत रुकिएगा, कदम्बम मुझे तो नहीं अच्छा लगा बिल्कुल। आप कोई और बेटर प्लेस सर्च करिएगा। उसके आगे एक बेटर दिख रहा था जहाँ काफी भीड़ थी, तो आप वो ट्राई कर सकते हो, बट ये वाला तो मुझे नहीं अच्छा लगा। तो आप सीधे कूर्ग में रुकेंगे। हमारा होटल 157 किलोमीटर बचा हुआ है, सो अब हम लोग सीधे वहीं रुकेंगे और वहीं पर लंच करेंगे। नारियल पानी पी लिया। अगला स्टॉप डायरेक्ट होटल ही रहेगा। आज बज गए हैं और मैं तो सो ली हूँ थोड़ी देर, काफ़ी थकान हो गई थी। आज सुबह 4:30 उठना पड़ा था मुझे। आज हम लोगों को होटल का थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो गया था, तो मैंने व्लॉगिंग नहीं करी है उस टाइम की। हुआ ये था कि हम लोगों को कुछ भी मिल नहीं रहा था रिजॉर्ट वगैरह, बिकॉज हमारी प्लानिंग बिल्कुल लास्ट मोमेंट में परसों रात को हुई थी और कुछ भी नहीं मिल रहा था। सब कुछ ऑलरेडी बुक था, सोल्ड आउट था, बिकॉज ये टाइम ऑलरेडी पीक होता है। और उसके बाद फिर प्रॉब्लम ये हो रहा था कि हम लोग 3 couples थे और 3 couples के लिए 3 rooms अवेलेबल नहीं थे बहुत सारी जगह, और हम लोगों को कोई भी रिजॉर्ट और होम स्टेज कुछ नहीं मिला। अब वो तमारा और वो हेरिटेज तो हम लोग को नहीं जाना था, जो अफोर्डेबल थे वो सारे ऑलरेडी सोल्ड आउट थे। ऑनलाइन जो होटल बुक किया था हम लोगों ने, यहाँ आके देखने पे पता चला कि वो बहुत बुरा था। वो फ़ोटोज़ में ही केवल अच्छा था, वो रियल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इवन पार्किंग तो और भी बुरी थी, तो हम लोगों ने फिर उसे कैंसिल किया है और फिर वहीं पर पास में दूसरा होटल ढूंढा। मिल गया दूसरा, काफ़ी अच्छा मिल गया और उससे सस्ता और उससे बहुत अच्छा मिल गया। सो इसी वजह से हम लोगों का दोपहर का थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ, पर उसी बीच फिर लंच करा हम लोगों ने और फिर आके थोड़ा सा रेस्ट कर लिया है। सो अब मैं तो नींद मार ली हूँ, लेकिन जो साथ वाले लोग हैं वो अभी भी सो रहे हैं। सो शायद आज कहीं घूमना ना हो पाए, कल सुबह से ही घूमने जाएंगे।
मैं अभी भी वॉक करने चले गए हैं और देखते हैं अभी और मैं क्या करूँगी। सो मैं थोड़ा सा और आराम कर लेती हूँ फिर, और फिर आपको मिलती हूँ जब कहीं जाएंगे। तो 6 बज गया है और अब हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं तो चले, तो हम लोग अब जा रहे हैं, एक रिजर्वायर है यहाँ पे, तो बस वहीं जा रहे हैं क्योंकि वही 24/7 खुलता है। जब हम निकले थे तो ऑलरेडी शाम हो गई थी और थोड़ी दूर बस आगे बढ़े ही थे कि बिल्कुल अंधेरा हो गया था और कुछ नहीं दिख रहा था, तो हमने अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया और हम वापस आ गए। फिर हम एक कैफ़े में गए थे, ये लेविस्टा कैफ़े था और बहुत ही अच्छा था, आप भी ज़रूर जाएं अगर आप कुशल नगर जाएं। तो आ गए हम लोग फर्स्ट डे वापस घूम के, कुछ भी नहीं घूमा। हम लोग 6 बजे के बाद यहाँ से निकले थे और आधे घंटे के अंदर ही पूरा अंधेरा हो गया था और फिर लगा कि कहीं भी जाना वेस्ट है बिकॉज़ कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। तो हम लोग जहाँ जा रहे थे वो भी हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, बस हमें एक अच्छा सा कैफ़े लेविस्टा मिला था तो वहाँ जाके हमने कॉफ़ी पिए, अच्छा कैफ़े था बहुत ज़्यादा और कॉफ़ी भी बहुत अच्छी थी। और हम अपना डिनर भी पैक करा के होटल ही ले आए हैं, आज हम यहीं पर अपना डिनर भी करेंगे और साथ में हम लोग ऊनो वगैरह खेलने का प्लान बना रहे हैं। सो कल से घूमेंगे और पूर्व देखेंगे, तो मिलते हैं फिर कल सुबह। हाय गाइस, सो आज है मेरा कूर्ग में day 2, बट आज ही से हम लोग कूर्ग एक्सप्लोर करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं मंडलपट्टी व्यू पॉइंट, जो कि थोड़ा सा दूर है लेकिन आई थिंक 2 आवर्स लगेगा हमें वहाँ पहुँचने में। सो चलते हैं फिर। सो दिस इज़ माई आउटफिट ऑफ द डे। तो ये है वो पॉइंट जहाँ पे हमें कार पार्क करनी है। यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक तरफ एबी फॉल है और एक तरफ मंडलपट्टी है। मंडलपट्टी के लिए जीप सफारी करनी पड़ेगी बिकॉज़ आगे का रास्ता बहुत ख़राब है और एक्सपीरियंस ड्राइवर ही चला सकता है वहाँ पर। सो अब हम जीप में जा रहे हैं और आप देख सकते हैं ऑलरेडी मेरा हाथ कितना ज़्यादा हिल रहा है रिकॉर्ड करते वक्त, बिकॉज रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आप देख सकते हैं कि इस जगह तो प्रॉपर रोड भी नहीं है और इस जगह तो और रोड ख़राब थी। सो अगर आपके बैक में कोई प्रॉब्लम है सो डोंट गो, इसके बाद आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी डेफिनेटली। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। एबी फॉल्स हम अपनी ही कार से आए और यहीं पर बाहर हमने लंच किया, फिर हम अंदर गए।
फूड में आपको होममेड चॉकलेट्स, होममेड वाइन्स, टी, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस की बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी। इसके बाद हम लोग राजा सीट आए, ये एक सनसेट पॉइंट है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा पार्क भी है। तो अब हम लोग होटल आ गए हैं और आज हम लोगों ने तीन चीज़ें कवर करी थी। आज हम मंडल पट्टी गए थे और एबी फॉल्स गए थे और उसके बाद हम लोग राजा सीट गए थे। हम लोग ने बहुत ज़्यादा सब कुछ देखने का ना डिसाइड करके कुछ मेन मेन चीज़ें ही सोची थी करने को। तो आज एक दिन में हमारा तीनों चीज़ बहुत ईजिली हो गया था। उसके बाद अब हम लोग 8:30 होटल के अंदर हैं। मंडल पट्टी के लिए जो व्यू पॉइंट में ऊपर जाने के लिए जो जीप सफारी है, ओ माय गॉड, वो इतना ज़्यादा बम्पी राइड है कि हिल गए थे बिल्कुल हम लोग और लग रहा था कब ख़त्म होगी। सो ऊपर जाने के बाद व्यू अच्छा है, लेकिन वो जो 3 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है वो बहुत ज़्यादा है, वो बिल्कुल हिला देता है। उसके बाद एबी फॉल्स का व्यू काफ़ी अच्छा था। उसके बाद राजा सीट हमने सनसेट देखा है और वहाँ से सनसेट का व्यू भी बहुत अच्छा था। और उसके बाद हम वापस अपने होटल आ गए हैं और अब बस डिनर करने के लिए जाना है और उसके बाद फिर आज आराम करेंगे और कल सुबह जाएंगे दूसरी जगह। सो आज के लिए मैं साइन ऑफ करती हूँ और मिलते हैं फिर कल सुबह।